तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कोल्ड वार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम ने सिद्धू से शहरी विकास मंत्रालय छीनकर सिद्धू को ऊर्जा मंत्रालय दे दिया है। साथ ही साथ और भी कई मंत्रियों के जो विभाग हैं वो बदले गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, पंजाब कांग्रेस सरकार में मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के आक्रामक तेवर कायम है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रुख कड़ा कर लिया है। सिद्धू की ओर से लगातार उनके नेतृत्व को चुनौती दी जा रही थी, तो वहीं सीएम अमरिंदर ने भी सिद्धू के तंज के बाद उनके पंख कतर दिए। 6 जून को लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बैठक से नदारद रहे। सिद्धू के बैठक में नहीं पहुंचने से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। वहीं बैठक के बाद कुछ ही घंटों में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया और नवजोत सिंह सिद्धू से शहरी विकास मंत्रालय का विभाग छीन लिया गया। सिद्धू समेत कई और मंत्रियों के मंत्रालयों में भी फेरबदल किए गए। नवजोत सिद्धू से वापस लिया गया स्थानीय निकाय विभाग। नवजोत सिंह सिद्धू को मिला ऊर्जा मंत्रालय। बलबीर सिद्धू को बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री। रजिया सुल्तान को दिया गया परिवहन मंत्रालय। ब्रह्म महिंद्रा को दिया गया स्थानीय निकाय विभाग। अरुणा चौधरी को दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ओपी सोनी से वापस लिया गया शिक्षा मंत्रालय। विजय इंदर सिंगला को दिया गया शिक्षा मंत्रालय। पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के पंख उतरने के लिए बड़ा कदम उठाया और उनका विभाग बदल दिया। कैप्टन ने 6 जून वीरवार देर शाम को सिद्धू को झटका देते हुए स्थानीय निकाय विभाग वापस ले लिया और उन्हें ऊर्जा विभाग का कार्यभार संभालने के लिए दे दिया। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनाव में पंजाब की 5 सीटों की हार पर बयान देते हुए ये कहा था कि पार्टी की हार के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराना गलत है, पार्टी की हार के लिए सभी नेता बराबर के जिम्मेदार हैं। इसे नसीहत कहा जाए या फिर फजीहत, पंजाब के कैप्टन ने अपनी ताकत का पैगाम तो दे दिया, लेकिन सिद्धू ने भी पैगाम को स्वीकार नहीं किया। क्या कैप्टन और सिद्धू के बीच तनातनी यूं ही बनी रहेगी? क्या गुरु का गुरूर भी यूं ही रहेगा या पार्टी की छवि को बचाए रखने के लिए कुछ हल भी निकाला जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।